तो गाइस आज आप लोगों को पता है कि लेजेंडरी का जो बंडल का लास्ट डेट है, और आज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निकालना चाहते होंगे इस बंडल के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो निकाल के, वैसे मेरे को भी निकालना ही था, जितना भी डायमंड लगता है स्पिन करता। तो सबसे पहले निकालने के लिए ट्रिक है गाइस, ठीक है। जो ट्रिक है वो है, मैंने सबसे पहले तो मेरे अंकुर भाई कहते हैं कि टॉपअप कर लेना, ठीक है। मैंने 400 रुपये का टॉपअप किया था, जिसके अंदर से मेरे पास आप डायमंड शुरुआत में देखे होंगे कितना डायमंड था, करीबन मेरे को 1100 के करीब डायमंड था, ठीक है। अब देखो कितने डायमंड में निकलता है। तो आपको करना क्या, आपको गोल्ड रॉयल पे सोलो का स्पिन करना है। गोल्ड रॉयल पे कभी भी 10 वाला स्पिन नहीं करना है, सोलो का स्पिन करना है, ठीक है। ऐसा अगर हो सकता है चांस आपका निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो चीज़ मैंने अपनाया था वो अपनाया है 20 का स्पिन हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग 20 का स्पिन करेंगे, टॉपअप करने के बाद अपन लोग स्पिन करते जा रहे हैं। एंड हाँ, आप लोग को कैरेक्टर, ये चीज़ मैंने हमेशा ट्राई किया है कि अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को बार बार चेंज करते हैं, अगर कैरेक्टर को मतलब कभी हयात तो ले लिए, कभी डिफरेंट कैरेक्टर ले लिए, और हमेशा चेंज करते रहना है। बंडल चेंज नहीं करना है, कैरेक्टर चेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने गोल्ड रॉयल पे स्पिन किया, उसके बाद अपन लोग क्या किए, इधर उधर गए, उसके बाद अपन लोग इस पर जाएंगे, उसके बाद 20 का स्पिन करेंगे, ठीक है। 20 का, ज़्यादा नहीं। और 20 के साथ साथ ये भी बोला गया है कि आपको 90 का भी स्पिन करना है, ठीक है। अगर आपके पास डायमंड है तो आप 90 का भी स्पिन कर लेंगे। तो मैंने लोग अपन लोग को सब कुछ ट्राई करेंगे, 50 वाला भी, 90 वाला भी, थोड़ा थोड़ा के लिए बच रहा है, ठीक है। अगर आप 90 वाला करोगे तो आपका डायमंड बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि ये फिक्स्ड होता है कि आपको 5 वाला करते हो तो सिर्फ एक ही बार नाग जो पंच मारेगा वो एक ही बार मारेगा, 5 बार नहीं मारेगा, तो उसमें फिक्स्ड होता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार कैरेक्टर चेंज कर, जैसे हम लोग कैली लिए थे, अब हम लोग अलवारो ले लेंगे, अलवारो ले लिए हम लोग। अब अलवारो लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कोबरा, यहीं असासिन पे, इस पे जाने के बाद हम लोग सीधा स्पिन कर दिए, देख लो। तो गाइस मेरे को ये सब रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और हाँ भाई लोग, ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, जो चीज़ मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये ज़रूर ट्राई करना। आपको सिंपल स्पिन करना है 20-20 का ही, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 20 में नहीं मिलता है, और मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए। तो हम लोग 20 का ही करेंगे, उसके बाद 90 का भी करेंगे, तो अभी तो 20-20 का हम लोग कर लेते हैं, और जितना डायमंड होगा उतना हम लोग बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने डायमंड बर्बाद किया, दिखाया कि हाँ आपको क्या क्या करना होगा। तो मैंने इधर से सारा क्विक सेलेक्ट कर लिया पहले, एंड क्विक सेलेक्ट करने के बाद जो जो आइटम मेरे को मान लो कि मेरा जरूरी है, जो EXP कार्ड हो गया, गोल्ड कार्ड हो गया, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पिन करता हूँ, ये नहीं कि डायमंड से स्पिन करना है। और आप देख सकते हो उसके ही स्पिन पे हमें यहाँ पे मिल चुका है टोकन, ठीक है, मतलब जो गोल्ड टोकन है। आप लोग के पास टोटल 5 हो चुके हैं, मतलब 4 तो मेरे पास पहले से थे, और इस पे मैंने करीबन, आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब 2500-2700 डायमंड मैंने, मतलब मान लो 3000 के करीब डायमंड मैंने बर्बाद किया था, ठीक है, इतना डायमंड। तो ये ट्रिक था, 400 का टॉपअप किया करा मैंने, और 20-20 का सोलो स्पिन, करेक्टर बार बार चेंज, गोल्ड रॉयल पे स्पिन करना कभी कभार, एक ही सोलो का स्पिन, और उसके बाद कोई मतलब नूव वाला कांड नहीं करना है, क्योंकि हम नूव वाला कांड कर रहे हैं, वैसा नहीं। तो हमने बंडल यहाँ से रिडीम कर लिया है, और आप देख सकते हो बंडल देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके साथ बैकग्राउंड का एक नया लोचा और ऐड हुआ है, तो आप देख सकते हो बंडल का देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को मिल गया एक्चुअली। एंड अब इसके बाद मेरे पास मतलब मेरे 1100 डायमंड में से कितने डायमंड लगे होंगे, 1100 नहीं था शायद, और करीबन मेरे पास 700 कुछ डायमंड, 799 बचा ना। तो हाँ गाइस मेरे पास 700, एक फिर से देख लेते हैं अपन लोग, हाँ 700 मतलब 800 200 250 डायमंड लगे होंगे, 250 या 300 डायमंड लगे होंगे, और यहाँ पे रेड वाला इमोट का बैकग्राउंड, ठीक है। तो मतलब 800 बचे हैं, तो 200 कितना लगा आप लोग करेक्ट बताना, जो लोग करेक्ट बताओगे उससे हम लोग डायमंड देंगे, तो करेक्ट आप लोग बताना, ठीक है। एंड जो ट्रिक मैंने अपनाया है ये ट्रिक आप लोग अपनाना, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप लोग ये करो वो करो, बस आपकी मर्जी है। एंड हाँ, ये बेस्ट टाइम है आपका स्पिन करने का, मैंने स्पिन किया था 11:30 बजे, ठीक है, मैंने 11:30 बजे स्पिन किया था मॉर्निंग में, ठीक है, मतलब दोपहर के करीब मान लो। तो आप लोग भी इस टाइम को ट्राई कर सकते हो, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम को भी ट्राई करोगे कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो के लिए, आप लोग बता देना मेरा कितना डायमंड खर्च हुआ, एक्यूरेट कितना, तो आप लोग को डायमंड देंगे हम लोग आप लोग को, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो पे, अब से जो गेम प्ले का वीडियो आएगा, और दोनों चीज़ का अपडेट का भी आएगा, गेम प्ले का भी आएगा, दोनों, क्योंकि और जो गेम प्ले का वीडियो होगा उस पर हम लोग गिव अवे करेंगे, ठीक है। तो गेम प्ले वाला वीडियो ज़रूर देखना, गेम प्ले, ठीक है, कस्टम का।